नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मैंगो शेक बनाना बताऊंगा। सबसे पहले मैंने आधा लीटर दूध लिया है, डेढ़ फैट वाला। ये मैंगो शेक बजट वाला होगा, सस्ता होगा और बहुत बढ़िया भी होगा। और आधा लीटर के अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है 18 ग्राम, और इसको आपस में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर किसी ने कस्टर्ड लेना भी, कस्टर्ड भी 18 ग्राम डलेगा, अरारोट भी 18 ग्राम डलेगा और कॉर्नफ्लोर भी 18 ग्राम। आधे लीटर दूध के अंदर मैंने 90 ग्राम चीनी डाली है, आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। मीडियम फ्लेम पर दूध को रख दिया, मिलाकर आपस में, ये देख लो बॉयल हो रहा है दूध। अब इसको अच्छी तरह से गर्म करेंगे। और अगर किसी ने डेढ़ फैट से ऊपर दूध लिया है, जैसे 4 फैट का लिया तो वो 15 ग्राम, अगर 6 फैट का दूध लिया तो वो 12 ग्राम ही कॉर्नफ्लोर, कस्टर्ड, अरारोट, कोई कुछ भी वो डाल सकता है। अगर आपने 18 ग्राम फुल फैट दूध के ऊपर कस्टर्ड डाल दिया या अरारोट डाल दिया, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा हलवे की तरह। ये देख लो मैंने अब गर्म कर दिया, डेढ़ फैट का दूध था, 18 ग्राम कॉर्नफ्लोर डाला और ये देखो कितना गाढ़ा हो गया। ये डाला मैंने अमल्शन, मैंगो अमल्शन, इस कंपनी का अमल्शन उसको कहते हैं जिसके अंदर फ्लेवर और कलर होता है, उसको हम अमल्शन कहते हैं। और इस कंपनी का डाला है, ये बहुत बढ़िया कंपनी का है मैंगो अमल्शन। इससे पहले मैंने और भी किसी कंपनी का डाला था, वो बिल्कुल बेकार हो गया था, फिर मुझे दोबारा ये वीडियो बनानी पड़ रही है। एक बारी मेरा दूध पहले भी ख़राब हो चुका है, वो मैं आगे बताऊँगा कि मैंने कौन सा फ्लेवर या एसेंस यूज़ किया था जिसके कारण मेरा ये मैंगो शेक ख़राब हो गया था। ये देख लो अच्छी तरह से मैंने अमल्शन को मिक्स किया है, एकदम पूरी अच्छी तरह से मिक्स कर लो और रंग डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी के अंदर सब कुछ है। और इस कंपनी का मैं, ये देख लो, डाल रहा हूँ मैंगो एसेंस फ्ले, मैंगो अमल्शन और मैंगो एसेंस दोनों डालोगे तो फिर आपको पल्प डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी ने इसके बाद भी पल्प डालनी है वो डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ के आ जाएगा। इससे ये नहीं कि इससे कम आ रहा है, इससे भी बिल्कुल मैंगो का फ्लेवर आ रहा है नेचुरल जैसा ही। और मैं आगे बताऊंगा भी, मैंने इससे पहले ये मैं सेकंड टाइम वीडियो बना रहा हूँ, इससे पहले मैं एक और वीडियो बनाई थी जिससे मेरा ख़राब हो गया था, फिर मुझे दूध गर्म करना पड़ा। अब देखो मैंगो फ्लेवर और मैंगो अमल्शन को मिक्स करने के बाद अब मिक्सर जार में डालेंगे, तब एकदम स्मूथ टेक्सचर आएगा, स्मूथ एकदम एकदम क्रीमीनेस आ जाएगी, और जो भी होगा इसके अंदर मैंगो अमल्शन और मैंगो सेंस एकदम अच्छी तरह से मिल भी जाएगा। और इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से हमने बीट करना है, घुमाना है दूध को, और फिर इसका जो टेक्सचर निकल के आएगा ना, फिर जो पिएगा ना उसको ये महसूस नहीं होगा कि इसके अंदर कोई गम डाली हुई है। ये नहीं लगेगा कि इसके अंदर हमने कोई कॉर्नफ्लोर डाला या अरारोट डाला, ऐसा महसूस नहीं होगा। हमेशा कोई भी शेक हो उसको हमेशा ब्लेंड करो, या कोई भी चीज़ बनाते हो पीने वाली तो उसको हमेशा ब्लेंड करो, आइसक्रीम हो उसको भी ब्लेंड करो, खोया कुल्फी हो वो भी ब्लेंड करो। ये देख लो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने गलती की थी, ये मैंने दूध, ये मेरा ख़राब हो गया था, मैंने आधा लीटर डेढ़ फैट वाला ही दूध लिया था और इस कंपनी का मैंने मैंगो मिला दिया था। ये कंपनी का अमल्शन है बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है, कचरा है बिल्कुल। तो मुझे ये दूध फेंकना पड़ा, दोबारा फिर मुझे वीडियो बनानी पड़ी। ये मैंने कंपनी का डाल दिया था मैंगो अमल्शन, पहला जो मैंने आपको अभी दिखाया मैंगो अमल्शन मैंने कितना डाला, और इसको मैं दिखा रहा हूँ कि कितना डालूँगा, और तब भी देख एकदम बेकार हो गई थी। इसमें लिखा तो ज़रूर है मैंगो अमल्शन, मैंगो ई लिखा हुआ है ना, अमल्शन ही है। ये मैंने इतना कम भी डाला तब भी इसमें मैंगो का दूर दूर तक कोई फ्लेवर नहीं था। और इसको मिक्स करने के बाद मैंने एसेंस वही डाला जो मैंने अभी आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, वही मैंने, एसेंस में कोई कमी नहीं है, अमल्शन में कमी है। ये देखो ये मैंने उस अमल्शन के भी साथ डाला था ना, ये फ्लेवर मैंगो एसेंस का फ्लेवर तो बहुत अच्छा, अमल्शन बेकार है। तो इन दोनों को मैंने जब मिक्स करके डाला तो दूर दूर तक कोई मैंगो का फ्लेवर नहीं था।
फिर मैंने इसको फेंक दिया। फिर मैं बनाया वो ही वाला जो आपको मैंने इससे पहले दिखाया। ये देख लो, ये इमल्शन कभी भी नहीं लेना इस कंपनी का। अब देखो जो हमने ब्लेंड करके रखा था, ये देखो कितना बढ़िया हो गया। अगर आप ब्लेंड नहीं करोगे तो फील आएगा कि ये इसके अंदर कुछ गम डाली हुई है, ऐसा फीलिंग आएगी पीने पर। इसको हम रखेंगे आधा घंटे के लिए, 30 मिनट के लिए रखेंगे फ्रिज के अंदर ताकि ये चिल्ड हो जाए अच्छी तरह से। और 30 मिनट के बाद देखो एकदम गाढ़ा हो गया, और इसके अंदर जो फ्लेवर उठ रहा है ना मैंगो का, अल्टीमेट है उसके। ऐसे लग रहा है जैसे नेचुरल ही है बिल्कुल। कलर भी देखो एकदम मैंगो जैसा नेचुरल कलर है, कोई कलर डाला ही नहीं हमने, इमल्शन से ही कलर हो गया। और इसकी थिकनेस देख लो, 1.5 फैट का दूध है और उसकी थिकनेस देख लो कितनी है। पीने में लाजवाब है, लाजवाब एक नंबर है। और गाढ़ापन बहुत ज़्यादा है। अगर ये इतनी क्वांटिटी में अगर 6 फैट का या 4 फैट का दूध होगा डाल दोगे ना 18 ग्राम, तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा हलवे की तरह। और ये मैं डाल रहा हूँ मैंगो आइसक्रीम, ऑप्शनल है, मर्जी है डालनी डाल दो, नहीं भी डालोगे तब भी इस शेक का फ्लेवर बिल्कुल नेचुरल मैंगो जैसा ही है, कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने दिखाने के लिए डाल दिया, हमारे इधर ऐसे ही मिलता है मैंगो शेक। मैंगो शेक के ऊपर आइसक्रीम और टूटी फ्रूटी चेरी डाल के मिलता है, बहुत टेस्टी लगता है। आप भी ऐसे बना सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।